नमस्कार। जैसा कि आपको मेरे बारे में पता है, मैं मीनाकारी कुंदन जयपुर की मीनाकारी कला का शिल्पकार हूँ। मेरे को वार्ड और मेरे परिवार का परिचय मैंने सब कल आपको बता दिया था। आज मीनाकारी की इस विषय के अंदर हम तीन सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। पहला सब्जेक्ट है हमारा मीनाकारी के कलर कैसे बनाए जाए और उनको कैसे किसी भी आइटम के अंदर, कोई आभूषण के अंदर या कोई आर्टिकल के अंदर उनको भर के और भट्टी में किस प्रकार से पकाया। दूसरा हमारा होगा कि इन मीने के कलर को तैयार करने के पहले और उसके भरने के बीच की हमारी प्रोसीजर क्या होता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कुंदन के काम के बारे में, कुंदन का काम क्या है और किस प्रकार से उसको किया जाता है, उसकी विधि बताऊंगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के नाम बताऊंगा। साथ ही मैं आज आपको एक हमारे जो कुंदन के काम के अंदर लुप्त कला है, लुप्त हो चुकी है, उस कला के बारे में बताऊंगा। लुप्त होने से मेरा मतलब है कि उसको कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में कोई नहीं बना रहा है, हर जगह आपको नहीं मिलेगी और ये कि गिने चुने कुछ क्राफ्टमैन बचे हैं जो कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी में शायद इसको कोई करने वाला नजर आएगा। 10-20 साल बाद में तो ये मतलब बिल्कुल अजूबा आर्ट हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मीनाकारी का जो काम जो होता है, यहां मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे ये कलर है, आप ये कलर वैसे तो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, लेकिन हमें इसको बनाने से पहले, देखने से, इसको पीसने से पहले, ग्राइंड करने से पहले देखना होता है कि हम कौन सा रंग चाहते हैं और कौन सा रंग हमें करना है। तो ये जो पॉइंट है इसका, ये जो पॉइंट होता है नीचे का पॉइंट, यहाँ से हम लाइट के अंदर भी ट्रांसपेरेंट को पता कर लेते हैं कि ये लाल है, हरा है, नीला है, कौन सा। कुछ कलर ऐसे होते हैं जो बंद कलर जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि ये जो आपका कलर है, ये कलर है, ये फिरोजी कलर है, पाकताई कलर बोलते हैं इसको दूसरी भाषा के अंदर, तो इनको तो वैसे ही नजर आ जाता है कि कौन सा कलर। ऐसे ये तोतिया कलर है, ये भी दूर से ही नजर आ जाता है तो ये कौन सा कलर है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कलर होते उनको हमको चेक करना। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैं ये थोड़ा सा कलर का आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। ये कलर का पीस देख रहे हैं, जैसे आप उसको गहराई से देखेंगे तो यहाँ पॉइंट के ऊपर आपको उसको ग्रीन नजर आ रहा है, आप इसको बारीकी से देखेंगे तो ग्रीन नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको रंग को पीसने की खरल बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं, खरल, और दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं करछी मुगदर। करछी मुगदर वो लोहे की बनी हुई होती है, पक्के लोहे की होती है, कच्चे लोहे की नहीं होती है। मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं ये जो गिलास की है वो भी ले गया, और ये भी बहुत बढ़िया मजबूत गिलास होना चाहिए। ये मैंने इसके अंदर बिल्कुल इसको साफ करने के बाद में आप ये देखिए, जरा सा भी इसमें कार्बन डस्ट नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात हम लोग इसमें डालेंगे, और प्यूरिफाइड वाटर हमारे पास में होना चाहिए। ये देखिए, जैसे ये मिनरल वाटर है, प्राचीन काल के अंदर जैसे कि आपने चकोर के बारे में सुना होगा कि वो स्वाति नक्षत्र के मूत को भी दहन करता था, वरना वो प्यासा ही रहता था, साल भर उसको मूत का प्रसाद पानी का पीने के लिए इंतजार करता। ऐसे ही प्राचीन पद्धति के अंदर हमारे लोग जो हैं बरसात का पानी स्टोर किया करते थे और उसको कपड़ छान, मतलब मलमल के कपड़े में 4-5 दफा लगभग उसको छान करके और स्टोर कर लिया करते थे, जिससे कि उसमें किसी प्रकार के जीवाणु, कीटाणु या कार्बन डस्ट वगैरह नहीं। अगर मीनाकारी के कलर तैयार करते समय आपके हाथों में या रंगों को भरते हुए अगर आपके हाथों में किसी प्रकार का चिकनाई होगा,
कलर को बनाते हुए किसी पॉट के अंदर जिसमें कलर को आपको ग्राइंड कर रहे हैं, पीस रहे हैं, उसमें चिकनाई होगी या डस्ट कार्बन होगा, तो मीनाकारी के कलर जब आप भट्टी में पकाएंगे तो वो डिसऑर्डर हो जाएंगे, मतलब वो खराब हो जाएंगे, अपनी जो नेचुरलिटी है उनकी वो नहीं रहेगी। आपने खुदाई के अंदर, इंग्रेविंग के अंदर, ड्रॉइंग के अंदर जो जबरदस्त मेहनत करी है वो सब डिस्ट्रॉय हो गई। तो इस स्टेज के ऊपर जैसे अब मैं आगे आपको रंग पीसने की विधि बता रहा हूँ, इसमें हम पानी डालेंगे। अब ये देखिए ये जो पीस है मीने का, इसमें इतना ही पानी डाला गया कि वो उसके अंदर डूब जाए, इसके लेवल पे आ जाएगा। अब ये मुगदर है, इसमें मैं आपको आवाज कट आएगी इसमें पीसने के अंदर, और जब हम लोहे वाली में करते हैं, आयरन वाली में करते हैं, तो एक विशेष प्रकार का म्यूजिक की ध्वनि निकलती है और बड़ा मोहित करती है। इसमें भी आपकी आवाज आएगी, इसमें भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमको इतना क्वांटिटी में इतना बारीक कलर करना है। अब ये जैसे कूटते कूटते इसके दो टुकड़े तीन टुकड़े हो गए, ऐसे इसके हजारों लाखों टुकड़े हो जाएंगे, और ये टुकड़े होने के बाद में इस स्टेज में आ जाएगा। इसको करीबन एक कलर को करीबन करीबन 10 से 15 मिनट तक पीसना पड़ता है। आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये देखिए, तो ये अंदर ये लिक्विड पानी पड़ा हुआ है, कोई को नहीं है दूसरा किस प्रकार का गुरु वगैरह, और ये इस तरीके का ये बारीक कलर हो। अब इसको जो है, यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट करने पर करना चाहूंगा कि हमको लगभग कितना इसको बारीक करना पड़ता है, जितना आपने वो देखा होगा लाल रंग का चूना, इसको हम सिंग्राफ भी बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, आजकल के भाषा के अंदर समझा रहा हूँ मैं, प्राचीन भाषाएं शायद आपको समझ में ही, लेकिन मेरा यह फर्क बनता है कि इनकी जो मूल भाषा है वो आप लोगों को बताई जाए। सिंग्राफ के जितना बारीक इसको पीस लिया जाता है, और उसके बाद में ये ध्यान रखा जाता है कि पानी जब हमारा कलर का भरने का काम आता है तो इस तरीके का ये हमारा उसके लिए पतरा बोलते हैं, रंग भरने का पतरा, इसको इस तरीके के ये फिंगर टाइप के थंब का जो हिस्सा होता है, थंब अंगूठा, इसके साइज के इसके अंदर जगह बने हुए होते हैं, हाथ से बनाया हुआ होता है, मशीन का नहीं होता है। ऐसा रखते हैं, यहाँ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, जैसे ये हरा कलर ही है, ये मेरे पास में ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। पत्रे के साथ में ये आता है रंग भरने का औजार, इसका जो पुश्तैनी नाम है तकवा, तकवा, तकवा बोलते हैं इसको, और ये भी हाथ से ही बनाया जाता है, बाजार में रेडीमेड नहीं मिलता है। काम चलाओ सरकार तो कुछ भी जोड़ तोड़ की सरकार हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा चलती है, तो जोड़ तोड़ में तो कोई भी कुछ भी कर लो, जो वास्तविक कलाकारी की जो चीज है, इसमें ये एक साइड से ये फ्लैट होता है चम्मच की तरह, हाफ राउंडेड होता है, अब ये देखिए ये हिस्सा इसका, और एक साइड से ये त्रिकोणा बना हुआ होता, फ्लैट त्रिकोणा होता है, फ्लैट त्रिकोणा, और इस साइड में से जो ये चम्मच वाला जो साइड, टूंग वाला जो छोटा साइज है, उसमें से इसमें से ये देखिए, ये ऐसे मैंने इसमें से निकाला, ये इसमें बाहर आया और ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया, राइट। अब इसके अंदर बारीक पतला दोनों रंग होते हैं, दोनों कलर इसमें मैं रख लेता हूँ, जैसा जैसा मुझे जरूरत होगी मैं भर लूंगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा मुझे हाथ में हाथ के हाथ पानी भी रखना पड़ेगा, इस तरीके से सारे कलर्स को मैं रख लूंगा, और पानी इतना ही रखा जाएगा कि कलर ड्राई नहीं हो, फूके नहीं। इसके पश्चात जैसे मेरे पास में ये तैयार कलर है, ये काला कलर है, बैगनिया कलर है, फिरोजी कलर है, ये सब कलर मेरे पास में है, तो ऐसे ही सब तरीके के कलर होते हैं, और इनको मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। अब ये मैंने जो आपको तिकोना साइड का जो बताया था चपटा साइड के बाद में, इस पॉइंट से मैं इसको उठाऊंगा, आप देखिएगा, और ये नीचे
गिर नहीं जाए, तो इसके वेट के लिए यहां मैं ये सांड रख दे, इसका सपोर्ट हो जाता है। ओके, ये यहां से मैंने इसको इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से थोड़ा डाइल्यूट किया, मिलाया, और ये देखिए आपके सामने मैं निकल के ला रहा हूँ। इसमें देखिए कितना था, जितना था मुझे जरूरत है उतना राई के दाने के माफक कलर मेरे इसके अंदर आ गए। और अब मैं जैसे अब आपके सामने ये मोर है मेरा, इस मोर के अंदर यहाँ इसको ये छतरी बोलते हैं, इस छतरी के अंदर ये कलर भरूंगा। ये देखिए इसके साइड में जो डिजाइन बचा है, उस डिजाइन को बचाते हुए मुझे डिजाइन पानी की कलर इसके अंदर भरने होंगे, दूसरे दूसरे डिजाइन के अंदर दूसरे कलर भरने होंगे। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, जैसे अभी ग्रीन कलर का है तो सारे में जहां जहां मुझे ग्रीन कलर देना था, ग्रीन कलर दे लूंगा। और इसके लिए कपड़े का हम एक बुक बना लेते हैं, गार्ड जिसको रुई भी कहते हैं, और वो से हम इसको फिर पानी को सोच लें। कभी कभी कार्बन वो क्या पानी सोचने के लिए ब्लॉटिंग भी काम में ले, ब्लॉटिंग पेपर है आप सब जानते हैं हमारी क्लास के अंदर, जब कैन आजकल तो चल गए, पहले जब होल्डर से और कलम से दबार से लिखा जाता था तब हमारे को टीचर कॉपी सूखने के लिए या स्लेट में सूखने के लिए कहते थे, कभी इसको ब्लॉटिंग पेपर से छुपा। और ये तो पुराना सबसे पुराना तरीका, जब ब्लॉटिंग नहीं था रूरल एरिया के अंदर बहुत मट्टी डाल के भी छुपा दिया जाए, खैर वो पुराने जमाने की बात है। तो इस तरीके से ही जितने भी 8-10 घर करीबन जो बने होते हैं, अलग अलग कलर को उसमें डाल लिया जाता है। इनको भरने के बाद में, सारा कलर भरने के बाद में, इनको भट्टी के अंदर पकाया जाता है। भट्टी में पकाने के बाद में ये इस तरीके के अंदर आ जाता है। ये आप देख रहे हैं जैसे नीला कलर है, ग्रीन कलर है, बीच के अंदर ये भरा हुआ नीला कलर है, यहाँ ये लेमन कलर भरा हुआ है, ऐसे ही ये कलर है, यहाँ ये जैसे ब्राउन कलर भरा हुआ है, बुरा कलर, कत्थे कलर जिसको बोलते हैं। अब इसके अंदर अब आप देखेंगे इसके अंदर जैसे ये गुल्ले बन रहे हैं, ये बाहर खुदाई के करने के बाद में बाहर आए, ऐसे ही 5-7 दफा मीनाकारी करने के बाद में पत्ती को पकाया, जब कंप्लीट मीना भरा जाएगा उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये हमारे होते हैं बर्थे। बर्थे ये भी एक प्रकार की साइन ही है, और इस साइन के छोटी छोटी साइन ये अलग अलग साइज की होती है, उसमें मीठे और तेज दोनों तरीके के बर्थे काम में लिए जाते हैं। और इनके अंदर एक पॉट के अंदर पानी रखा जाता है, इसके ऊपर लगाया जाता है, और फिर इससे इसको ये जो आप देखिए ये इसको पकड़ने का तरीका है, नाच की दो उंगलियों में पकड़ा, ये उंगली पकड़ी, ये अंगूठा लगाया, फिर ये उंगली लगाई, फिर बता देता हूँ ये दो अंगूठी उंगलियां बीच की लगाई, राइट, लास्ट की दो अंगूठियां, फिर ये तीसरी चौथी अंगूठी लगाई, जैसे आपका बांसुरी के ऊपर उंगलियां चलती है ऐसे, और पीछे आपका अंगूठा लग जाएगा। और फिर आप इसको ऐसे ऐसे करके इसको ईसाई करना कहना, दूसरी भाषा में अंग्रेजी में कहो तो इसको फाइल करना भी कहना। अब क्या होगा इसके बाद में, अंदर जैसे इसके अंदर जो खुदाई करी हुई कलर के अंदर दब गई है, या कहीं से ऊंचा हो गया कहीं से नीचा है, वो सब लेवल में आ जाएगा, क्लीन करना पड़ेगा, हाइजेनिक तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। इसको साफ करने के लिए रीठे को गर्म करके उसका फूम बनाया जाता है, और ब्रश करके इसको आप किया जाता है, फिर इसको छुपाया जाता है। उस प्रोसीजर को बोलते हैं तात गरम, जो नाम है इसका नाम है तात गरम, इसको छुपाया जाता है, ये गीला नहीं रह जाए। फिर जहां जहां से कलर ज्यादा घिस गया है या जहां खड्डा रह गया कलर नीचे दबा हुआ है, उसको लेबल करने के लिए बहुत ही बारीक, जैसे आपका जो स्मूथ है आपका फेस पाउडर टेलीकॉम वगैरह का पाउडर होता है, उस पाउडर का जैसा बारीक करना पड़ता है। तो उसके बाद में दोबारा इसको पट्टी में नहीं दिया जाता, सीधा उसके बाद में तैयार पीस आता है, फाइनल स्टेज होती है। ये करीबन 6-7 दफा करने के बाद में आती है। इस प्रोसीजर के बाद में
जो चीज हमारे तैयार होकर आती है वो ऐसी ब्राइटनेस जो आप देख रहे हैं, ये नेचुरल ब्राइटनेस होती है, कुदरती जिसको बोलते हैं, कुदरती ब्राइटनेस है ये, नेवर लॉस्ट वाली होती है, कभी खराब नहीं। अब इसके बाद में यहां मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कल जैसा मैं बता रहा था कि देसी मीनाकारी, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ, देसी मीनाकारी के अंदर जैम जो होते हैं, रियल जैम होते हैं, उनका रस बना करके उनके विशेष पद्धति से मीने तैयार किए जाते हैं, और जो आजकल मीनाकारी हो रही है 99% मीनाकारी हो रही है, वो विलायती मीनाकारी हो रही है, और विलायती की मीनाकारी के लिए देखिए कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ये रेड कलर है, ऐसे कलर होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, और ये बनाने में करने में भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, और ओपन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जबकि देसी कलर हरेक के पास भी नहीं है। ये जहां तक मेरे बुजुर्गों ने बताया, ये बेल्जियम ग्लास खासकोर्ट से होता है, आप लोगों ने देखा होगा प्राचीन खासकोर्ट में, जब उत्तरी कहूंगा हवा महल के लिए चलिए, हवा महल की जो विंडोज बनी हुई, खिड़कियां बनी हुई, उसके अंदर रंगीन गिलास लगे हुए, लाल हरे नीले पीले, आप लोगों ने देखे होंगे, वो बेल्जियम गिलास है, वैसे तो उस काम का बोलते हैं स्टेन गिलास, स्टेन गिलास की कारीगरी बोलते हैं, उसी तरीके का ये गिलास होता है, ये जर्मनी वगैरह के अंदर बेल्जियम वगैरह में, और हमारे हिंदुस्तान में भी अब बनने लगे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर इसका ज्यादातर जो प्रोडक्ट होता है वो अमृतसर के अंदर होता है, मीनाकारी। मैं ये नहीं कहता जयपुर की मीनाकारी होती है, जयपुर से पहले किसी जमाने में बनारस में भी मीनाकारी अभी भी होती है, और लखनऊ में भी मीनाकारी थी, अब वहां कोई करने वाला है, दिल्ली में भी होती थी, अब शायद कोई एक आधा कोई हो बंदा करने वाला तो हो, लेकिन नहीं केवल, बीकानेर में भी होती है, और राजस्थान का नाथद्वारा है वहां भी मीनाकारी, उनकी जो मीनाकारी है वो अलग किस्म की मीनाकारी है, लेकिन है मीनाकारी, पक्के कलर के काम में देखते हैं, लेकिन उनका जो पंच सिस्टम है, डाई सिस्टम से, और उसके अंदर खुदाई वगैरह की इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो बहुत कॉमर्शियल तरीके से प्रोडक्ट भी हो जाता है, बन भी जाता है, ये जो वास्तविक मीनाकारी, ओरिजिनल मीनाकारी है, इसमें खुदाई करना, मीना अब आता है इसके बाद में हमारा अगला काम, मीनाकारी के बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूं, और इसके बाद में अब आता है कुंदन की जड़ाई का, कुंदन की जड़ाई के बारे में मैंने आपको बताया था और आज फिर बताता हूं, कुंदन मीनाकारी की ज्वेलरी, इनामल कुंदन ज्वेलरी बोला जाता है, और डंडी के अंदर कुंदन ज्वेलरी भी बहुत से लोगों का बोलते हैं, और बहुत से लोगों का कोल्की की भी ज्वेलरी बोलते हैं, या तीसरा नाम बोलते हैं कुंदन मीना का, जो पूरी फॉर्म है कुंदन मीना की है, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है, कुंदन का काम होगा तो मीनाकारी भी होगी, और मीनाकारी का काम भी होगा, तभी वो जाके पूरी यूनिफॉर्म में कलाकृति तैयार होती है। कुछ लोग पसंद करते हैं सर कुंदन का ही काम कर दीजिए हमारे को, सभी संभव होता है, मीनाकारी नहीं होती है, प्लेन रह जाता है बाकी रहता, और कुछ लोग दोनों चीज पसंद करते हैं, तो दोनों चीज। अब सवाल पैदा ये होता है कि तो भाई कुंदन क्या वाला है, कुंदन से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये पीस आप देख रहे हैं इसमें एक का मीनाकारी होंगे, राइट, और ये जो पीस है ये आप देखें, ये जो पीस है इसमें या डबल पतरे का बना हुआ है, इसको हमारी भाषा के अंदर दुपोस्ता बोलते हैं, दुपोस्ता मतलब जिस आर्टिकल के अंदर डबल पतरा लग करके बनाया हुआ हो उसको दुपोस्ता आइटम बोला जाता है, और उसके अंदर ऊपर और नीचे फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ मीनाकारी का काम किया है, फ्रंट साइड के अंदर, कल मैंने आपको बताया था
पहले से जगह बना ली जाती है, इस जगह बनाने के काम को खुदाई के टाइम पे भी बना दिए जाते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, घर बनाना। घर बनाना, घर बनाने का मतलब मकान बनाना भी होता है, लेकिन इस मीनाकारी के काम के अंदर इसको भी हम घर बनाना ही बोलते हैं। इसके अंदर विशेष प्रकार के तैयार करी हुई लकड़ी, सुरमा जिसको बोला जाता है, जो काले कलर का होता है, वो इसके अंदर भर दिया जाता है, और भरने के बाद में फिर ऐसे जो पाइटे हमारे औजार होते हैं, ऐसे पॉइंटेड औजार होते हैं, इसमें जैसे ये मीनाकारी के काम के लिए ऐसे ऊंचे लगाए जाते हैं, वो नहीं लगाए जाते, और ये इस जस्ट डबल साइज की होती है, और इसके बाद में वो जो टपड़ी भर दी, लाख सुरमा भर दिया, उसके अंदर उसको कुचरा जाता है, कुचर करके उस पे इतनी जगह बना ली जाती है। जैसे मान लीजिए ये एक लगीना है, ये भी है, अब ये जैसे इतना मोटा पतला कितना है उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके मापक उसके अंदर जगह बना लेते हैं, जब हम ये चीज बनाने लगते हैं तो जो हमें स्टोन लगाने होते हैं उसको पहले से सेलेक्ट करना पड़ता है, कौन कौन से स्टोन लगाने होते हैं, अगर डिजाइन के मापक जो नई स्टोन मिलते हैं तो हमें फिर तैयार कराने पड़ते हैं। तो मुसलमान कारीगर जो हमारे भाई है वो बेगड़ी बोलते हैं, बेगड़ी वो लोग स्टोन रंगीन बना करके साइज करके वो भी बड़े से दस्त होते हैं, अगर वो अनाड़ी होगा तो स्टोन को तोड़ दे, ये बड़ा साफ पत्थर होता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था पोल की बीच में आई थी बात, ये देख सकते हैं आप, मैं आपके सामने यहाँ रखी है, ये पोल की है। अब पोल की के अंदर जवाब आता है, पोल की क्या चीज है, साधारण भाषा में बोल ली जाती है लेकिन पोल्ट्री का सिस्टम मालूम नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जानते हैं पीले के बारे में, पीले में हम तो देखते हैं हमारे नाक के अंदर नोज पिन पहनते हैं, या कान में टॉपर्स वगैरह बनवाते हैं, या नेकलेस वगैरह बनाते हैं, डायमंड ज्वेलरी इसको बोला जाता है, तो उसपे ऊपर से करीबन 8-10 तरीके की पॉइंट बने हुए होते हैं, प्लेटें बनी हुई होती हैं, और नीचे से वो पॉइंटेड होता है, सुई के मार कचरी की तरह से राइट, वो हमारी जो काम में आता है वो सेटिंग के काम में आता है, आवाजदार कारीगरी में काम आता है, मीनाकारी के काम के अंदर पोल की काम आती है, ऊपर से उसके ऊपर वो प्लेटें बनी हुई होंगी और नीचे से बैक साइड से वो बिल्कुल फ्लैट पॉइंटेड नहीं सॉरी वो पॉइंटेड नहीं होगा, वो पोल्की बन जाता है। डायमंड की पोल्की आती है, पुखराज की पोल्की आती है, जो कम खर्चा करना चाहते हैं वो पुखराज की पोल्की लगा लेते हैं, और जो ज्यादा बढ़िया अच्छा खर्चा करना चाहते हैं वो डायमंड की पोल्की लगाते हैं, ये भी हजारों रुपए कैरेट के भाव की आती है, पोल के अंदर आती है, पीस के हिसाब से नहीं आती है, ये जाते हैं पोल पे रखी है आप लोगों के सामने। अब जैसे ये एक पोल की है मेरे पास में, अब इस पोल की के अंदर मैं एक बिल्कुल 100% प्योर सिल्वर का पीस लूंगा, और हमारे पास में घोटनी होती है एशब, उस घोटनी से घिसेंगे और उसको इतना घिसेंगे मतलब गुटाई करेंगे, इसलिए से मतलब मेरा गुटाई करने से है कि उसके अंदर कुदरती पॉलिश आ जाती, चमक आ जाती, ब्राइटनेस आ जाती, और वो इसके चारों तरफ जो फ्लैट हिस्सा है उसमें उसको पैच कर दे। हाथ से बैठे बैठे ये जो जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये ऐसी चिमटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की चिमटी होती है, ये थोड़ी मोटी है, और जैसे यहाँ से पकड़ा, इसमें हमारे हाथ का अंगूठे का जो नखून होता है वो बड़ा होता है, ऐसे पकड़ा और यूं नजदीक बैठ करके टेबल के ऊपर या जहाँ बैठे उसको यूं बैठा 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 उस पत्र को इसके अंदर ऐसे कर करके उसको फिट करा। ये होने के बाद में यहाँ जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ भी जगह बनी हुई देख रहे हैं आप, इसको
तो उनको थोड़ा सा गर्म करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, इसको भी थोड़ा सा कोयले को दिखा करके गर्म, जला हुआ कोयला होगा उससे इसको भी नरम करेंगे, और नरम करने के बाद में वो यहाँ इसके अंदर, जैसे ये रूबी का ही पीस है आपका, कि यहाँ इसके अंदर रख दिया मैंने, अभी देखिए, और इसको खूब अच्छी तरह से अंगूठे से प्रेस करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जोर इतना ही लगे कि ये स्टोन के टुकड़े नहीं हो, इतना जोर नहीं लगाना कि वो जिससे अपनी पूरी बॉडी के जोर से ये टूट भी सकता है, इस बात का विशेष ध्यान। टेक्निक है, करने से ही समझ में आती है, इतनी बातों में समझ में नहीं है। अब बात ये आती है, अब ये जैसे कलर है मान लीजिए रूबी का, इसको अगर और डार्क करना है तो इसको नीचे भी पन्नी लगती है कलर की, उद्धन की पन्नी आती है, उससे इसकी नस्तर जिसको बोलते हैं चमक आती है, ब्राइटनेस जैसे कुछ ज्यादा आती है, और वो इसके अंदर लगा दी जाती है। कुंदन की जो पीस होते हैं, मैंने आपको बताया था एक फाइल होती है 24 कैरेट की होती है, उसका प्रोसीजर वही होता है जब कभी अगर आपने वर्क बनने के लिए देखा होगा चांदी या सोने के वर्क, इतनी से थोड़ी सी मोटी होती है वो, और उसको हमारे पास में कोयले की छोटी सी होती है, सिगड़ी बोलती है हमारी भाषा में, और उसके अंदर उसको थोड़ा सा 2 मिनट रख पका जाता है, फिर गर्म गर्म को इतना गर्म रखते हैं जैसे अपने नहाने के लिए गर्म पानी रखते हैं, इतना गर्म रखते हैं बाहर में आते, और एक विशेष प्रकार की खेती होती है। ये तो जैसे ये मेरा खतिया है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग साइज के लेने पड़ते हैं, और यहाँ रख करके एक ऐसा चीज रख लिया जाता है, और उसके अंदर बैठे 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 उसके टुकड़े कर दिए, टुकड़े करने के बाद में ऐसा पॉइंटेड जड़ाई का औजार होता है, यूं यूं करके उसमें दिया जाता है, और ऐसे करके इसको बार बार उसके अंदर, ये सिस्टम क्या कहलाता है हमारा, पाड़ करना। ये सिस्टम जड़ाई का क्या कहलाता है, पाड़ करना। आप सवाल होता है इसके बाद में सारे नगीने लगाने के बाद में कुंदन का करने का काम शुरू होगा। रियल कुंदन में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कीमती है, उसका एक भी टुकड़ा अगर गिर जाएगा तो उसको यहाँ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हमारे जो वर्कशॉप होते हैं उसके अंदर तो हमको समेट लेते हैं, हम लोगों की तो मिट्टी की भी कीमत। यहाँ अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो औजार है थोड़ा कोई पतला होता है, कोई गोल होता है, और उसके ऊपर यहाँ रख करके हम जो है ना इसको यहाँ रख लेते हैं, और ऐसे ऐसे इसको जो भी चलाते हैं, देखिए आप ये पकड़ने का होता है, खुदाई के टाइम पे कैसे पकड़ा जाता है औजार, कुंदन के टाइम पे ऐसे पकड़ा जाता है, देखिए ऐसे पकड़ा जाए, ये चारों उंगलियां और अंगूठा, अंगूठा एक आता बीच में और चारों उंगलियों के ऊपर बीच में ही आता है, और ये जो छोटी उंगली है, ये जो छोटी उंगली है इसका इशारे से यहाँ पे धीरे 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 चारों तरफ हाथ घुमाते जाते, इतने नरम तरीके से हाथ चलाते कि उस स्टोन के जो चारों तरफ का जो राउंड है सर्किल है उसमें वो आराम से चला जाए, हाथ घूम जाए। 8 से 10 दफा बार ऐसा प्रोसेस करने के बाद में ये कहला जाता है पाड़ करना। पाड़ करने का प्रोसेस कहलाता है। फिर उसके बाद में हम लोग कुंदन हमने लगाया है उसको बराबर करते हैं, कहीं से पतला रह गया, कहीं से कम रह गया, कहीं से ज्यादा लग गया, उसको फ्लैट करने के लिए, ठीक है ना, वो प्रोसीजर करना पड़ता है, तलाई से ही होता है वो भी, कोई रिजमाल वगैरह नहीं लगाते, अलग अलग तरीके से आजकल लोग कुछ करने लगे, फाल कोई नहीं चाहते, ट्रेडिशनल स्टाइल नहीं है। फिर उसके बाद में इसके लिए एक विशेष प्रकार की मीठी शान होगी, मीठी शान के ऊपर इसका पॉइंट बनाया जाता है, और वो विशेष तरीके का ही पॉइंट होता है वो, और उससे फिर उसके ऊपर ये जो तरीका है, देखिए अब आप यूं देखिए, यूं है ना, इसकी सिलाई की जाती है, इसको बोलते हैं फुल टच, इस प्रोसेस को बोलते हैं फुल टच, नाम याद नहीं रहेंगे आजकल के लोगों को, ज्यादा नहीं पता है, करते बहुत लोग लड़ाई करते हैं, उनको विशेष स्टेज के बारे में जानकारी शायद है या नहीं है, मेरी जानकारी के हिसाब से पुराने नाम पता है, इसको कहते हैं फुलतज।
और ये होने के बाद में फिर इसको इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए किसी प्रकार की चिकनाई नहीं लगे, और इसको रूई के बीच में और साफ सुथरे सफेद कपड़े के बीच में रखा जाता है, पानी से और नमी से इसको बचाना पड़ता है शुरू के दिन में जब इसकी शाइनिंग वगैरह का। आपको भी मैं बताता हूँ, अगर आप कुंदन पीने की ज्वेलरी लेंगे तो काम में लेने के बाद में उसको अच्छी तरह से कपड़े से पूछिए, हमारी बॉडी का जो पाउडर लगाते हैं आजकल के फैंसी आइटम लगाते हैं परफ्यूम वगैरह, उनमें सब में एसेंस होते हैं कार्बन होता है, वो उसकी पॉलिश को खराब कर देते हैं। आप अच्छे रूप से पूछिए और रूई के बीच में और अच्छे से प्लास्टिक के बैग के अंदर ज्वेलरी बॉक्स में भी मत, खासतौर से जहाँ आप फिनाइल की नेप्टोबिन बोल सकते होते वहाँ नहीं रखिए, वो खराब हो जाएगी, काली पड़ जाएगी। अगर आपके अगर गोटे पन किनारी का या जरी के काम का यूनिफॉर्म है उसके लिए भी खास तौर से ध्यान रखिए कि जहाँ फिनाइल की गोलियाँ अपने काम में लेते हैं वहाँ नहीं रखनी चाहिए, अखबार में लेते हैं। अब बात आती है तीसरी विधि जो विलुप्त होती हुई कला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा मीनाकारी की बाद में आता है, कुंदन के अंदर ही है वो। आप लोगों ने शुद्ध धातु के ऊपर तो काम करने के बारे में बहुत मैंने बता दिया, और किसी को इस बारे में कोई जानकारी विशेष नहीं तो जवाहर कला केंद्र के संपर्क अधिकारियों से बात करेंगे, आप तो आपको तो मेरी कोई क्वेश्चन होंगे आपको तो उसका बेसिक जवाब मैं दे। अब आता है साहब देखिएगा, ये एक आम है, ये एक विशेष प्रकार का हमारा जेमस्टोन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, अगर आप देखें तो बिल्कुल पारदर्शी होता है, ये देखिए आप बिल्कुल मिल्कीश होता है, आप इसको लाइट में देखेंगे तो बिल्कुल देखिए तक कितना चमकदार दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट नजर आ, कितना ट्रांसपेरेंट नजर आ। ये बनाने वाले जो हमारे मुसलमान भाई कारीगर है वही बना सकते हैं, हर एक आदमी नहीं बना सकता। ये इतना नाजुक पत्थर होता है कि इसको अगर जरा सी भी लापरवाही करे बनाने के टाइम पे या कुंदन करने के टाइम पे तो इसके टूटने के पूरे पूरे चांसेस। इसके अंदर आप देखेंगे इस स्टोन के अंदर मुलम्बत का काम हुआ हुआ है, नक्काशी जिसको बोलते हैं मुलम्बत का काम, ये भी नाम हर एक आदमी को नहीं पता है मुलम्बत। अब जवाब आता है ये पत्थर का जो काम है ऐशब का, इसमें पहनने वाली आभूषण भी बनते हैं, इसके अंदर आपके ज्वेलरी छोटे छोटे या बड़े तरीके के बॉक्स भी बनते हैं, कप प्लेट भी बनते हैं, फ्लोर फ्लावर पॉट भी बनते हैं, डायरेक्ट पॉट भी बनते हैं, फ्रूट पॉट भी बनते हैं, के साथ साथ हमारे जो शस्त्र होते हैं हथियार जो होते हैं छुरी के होंगे या तलवार के होंगे उनके हत्ते भी बनते हैं, इनको दस्ते भी बोलते हैं, हत्ते भी बोलते हैं, मूठ भी बोलते हैं। ये मैं आपको सामने इस शब्द का बता रहा हूँ, यहाँ शुद्ध कुंदन का काम हुआ हुआ है, ऐसे ही जैसे इसके अंदर शुद्ध कुंदन का काम हुआ है। इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं परछीन बढ़ गई हमारी मीनाकारी कुंदन के काम के अंदर, उर्दू और परछीन के वर्ड जो ज्यादा है और तीसरा जो है अरबी वर्ड इसके अंदर फारसी वर्ड सब मिक्स भाषा में। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आके आता आपको बीच में और सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर जितनी भी कलाएं हैं उनमें से 95% कलाओं का जन्म स्थान पर्शिया है, जितनी भी कलाएं हैं
वो सब प्रशिया से निकल के माइग्रेट होके गई है, सबका पेरेंटियल टाउन जो शहर जो देश जो है वो प्रशिया। आप चाहे कारपेट को ले लो, चाहे मिनिएचर पेंटिंग को ले लो, चाहे हमारे खुद मीनाकारी के काम को ले लो, आपको ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बता देनी चाहिए। और इतिहास के कारों के पास में और इतिहास के कला के जो लिखने वाले लोग हैं वो भी समय समय पे इसको दर्ज करते हैं बताते हैं। ये कोई मतलब नहीं है कि कौन सी जात का आदमी कर रहा है। हाँ, आज के 50 साल पहले तक ये था, जेम स्टोन को बनाने का काम कर रहे हैं वो मुंबई लोग कर रहे हैं ज्यादातर, मीनाकारी राभूषण बनाने का काम कर रहे हैं वो सिर्फ कुनार लोग कर रहे हैं, संस्कार बोले स्मिथ कर रहे हैं। अब वर्तमान के परिवेश के अंदर ये सबके लिए ओपन हो गया है, साधु जात हर काम को कारपेट के अंदर भी जैसे पहले था कि सब मुसलमान लोग ज्यादा काम करते हैं, लाठी टूटी का काम है जैसे मुसलमान लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन अब सब जाति के लोग बात करने लगते हैं। लेकिन इसकी क्राफ्ट में नहीं बन रहे, वो सिर्फ हेल्पिंग क्राफ्ट में बनते, मजदूर के तरीके सिद्धस्थ शिल्पी नहीं बनते। सिद्धस्थ शिल्पी के लिए तो आप ये मान के चलिए जिसका काम बीसी को वो वाली कहावत लागू होती। यहाँ आप आ रहे थे हम लोग इसके ऊपर, यहाँ आप देखिए ये जो कुंदन का काम इसके ऊपर हुआ है ये इसके ऊपर चिपकाया हुआ नहीं है। रॉक होती है, माइंस में से निकलती है, पहाड़ों में से निकलती है, चट्टानों में से निकलती है, समुद्र के अंदर से ही निकलती है, अलग अलग किस्म की होती है और उनको पत्थर के शेप में मिलती है बिना किसी शेप के, और उसको फिर हमारे यहाँ ला करके हम अपने डिजाइन को निकल सकता है उस डिजाइन के इनको बनाते हैं, आकृति को बनाते हैं। वो आकृति तैयार होती है, तैयार होने के बाद में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था मुलम बनता था, ये इस घोड़े की बनी हुई है, घोड़ा बना हुआ है। मैंने आपको कहा था मुलंबत का काम, हम इसको नेचुरल भी देना चाहते हैं। मैंने कल भी बताया था कि हम जो कलाकृति बना रहे हैं वो सेल्फ स्पीकिंग होनी चाहिए, अपने आप बताने वाली होनी चाहिए कि मैं क्या चीज बनी हुई हूं। आप अवश्य देखा होगा जो ओरिजिनल घोड़ा हो उसके गले के ऊपर गर्दन के ऊपर या बाल, यहाँ पर बारीकी से देखेंगे या मेरी सराई के पास से आप देखेंगे या लाइने ही बनी हुई है, ये घोड़े के बाल इस पत्थर के अंदर से उकेरे गए हैं, ये कुछ चिपकाए नहीं है बनाते वक्त जितनी कारीगरी। ऐसे ही अगर इस पे हमें कुंदन का काम करना होता है तो जैसे ही आप देख रहे हैं घोड़े की गर्दन के अंदर या मुंह के ऊपर बेल्ट के अंदर ये आंखों के अंदर या ये बीच के अंदर फ्लावर में या ये डेकोरेशन के अंदर ये सब इसके अंदर इंग्रेविंग की भी, और इस काम को हम घर खोदना कहलाता है, हम खंड बनाना, क्या कहलाता है खंड बनाना। और ये जब बन जाते हैं इसके अंदर लगभग 1 mm की खुदाई करी जाती है, और वो बंद करने के बाद में इसके प्रोसेस का जो प्रोसेस है वही जो रहता है प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था। इसमें कोई ग्लू नहीं लगाए जाते, कुंदन ही अंदर बाहर लगता है, नीचे जो खुदाई करी भी उस जगह भी उससे पहले बारीक 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 छेद कराया जाता है, और उन बारीक बारीक छेदों के अंदर बाल के माफक जितने बारीक छेद कराए जाते हैं और उसके अंदर कुंदन को पुरोया जाता है। कुंदन के ऊपर ही उसको चोट को चिपकाया जाता है, पैच किया जाता है, कोई जुट नहीं लगती, कोई चपड़ी नहीं। और फिर उसके बाद में ये चारों तरफ आप देख रहे जैसे ये हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा देख रहे हैं, ये सब गोल्ड का है, इसको आम बोलचाल की भाषा में कुंदन कहते हैं। अधिकतर मेरे पास जानने वाले आते हैं पूछते भी बिना कर रही है ऊंचा होता है तो भाई आग क्लियर कर दो, तो कहते हैं ये चारों तरफ पीले पीले कलर का।
आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, ये सब कुंदन है। और कुंदन का मतलब यही होता है वो 100% प्योर सोना है, यानी 24 कैरेट सोना है। ये एक लुप्त होती कला है। पत्थर की जड़ाई का काम भी साधारण बोल भाषा में कहते हैं, एगर की जड़ाई का काम भी कहते हैं। अगर आप बहुत सारी म्यूजियम में गए होंगे प्राचीन कलेक्शन वालों के अंदर, तो वहाँ आपको तलवारें भी मिलेंगी, बेल्टें भी मिलेंगी, बेल्ट के बक्कल भी मिलेंगे, राजा महाराजाओं के ऊपर के जो पट्टी वाले जो होते हैं उनके भी मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ मैं आपको दो चीजें बताया हूँ। इसमें खासतौर से ये ध्यान रखा जाता है कि जो लड़ाई है वो रियल ही होती है, देखो तो कुछ भी कर लो, जुगाड़बाजी की बात नहीं है। हकीकत प्राचीन पद्धति में रियल जेमस्टोन ही काम में लिए जाते रहे हैं। जड़ाई के अंदर, कुंदन की जड़ाई के अंदर तलपों की जड़ाई भी एक होती है। तलपों की जड़ाई से मतलब क्या होता है, ये जैसे आप देख रहे हैं ये तो जनरल जड़ाई है, और ये जो ब्लू कलर का ये मोर के जो कलर दिख रहे हैं कलर क्या, और ग्रीन कलर ये दिख रहे हैं, इनको हमको बनवाने पड़ते हैं विशेष प्रकार से, और इस काम को करवाने को नगीने का उतरवाना, उतरवाने का मतलब ये होता है बाहर निकाल देना, लेकिन यहाँ इसमें कहलाता है नगीने का उतरवाना, पर साइज बनवाना उतरवाना कहलाता है। ये बन के आते हैं, बन जाते हैं, उसके बाद भी ये चारों तरफ की काम किया जाता है। ये तो जनरल कुंदन का काम, लड़ाई का काम उसको कहा जाता है। लेकिन अब आपसे मैंने अभी कहा तल्पों की लड़ाई, देखिए इस मूड के अंदर यहाँ जो भी है जनरल जड़ाई, साधारण जड़ाई, जो आम जड़ाई होती है, लेकिन यहाँ जो इसके गले की और जू की बेल्ट है आप देख रहे, इनके नगीनों के बीच में ये कोई रिंग नहीं है, ये कोई रिंग नहीं है, जेमस्टोन की रिंग नहीं है, ये सब अलग अलग पीस बने हैं और उनको बराबर बराबर साइज के घिसाए गए, बनवाए गए हैं, और वो इनको एक साथ में बीच में कुंदन कहीं लगा हुआ नजर, कुंदन आपको सिर्फ साइड में ही नजर आए, एक स्टोन के दूसरे स्टोन के बीच में जहाँ जुड़ाव है वहां कुंदन नहीं होता है, वो तलपों की चढ़ाई कह रहे हैं। ये बहुत ही दुर्लभ चढ़ाई की पद्धति है और अरे कोई नहीं करता। हाँ, कुंदन के काम के अंदर जहाँ गुंजाइश होती है, जैसे यही आप देख लीजिए, इसमें तो नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ इस फूल के अंदर या ये फूल के बॉर्डर के ऊपर हम लोग कुछ इंग्रेविंग कर देते हैं, डिजाइन बना, ऐसा फैंसी वर्क ये चीजें सारे पकड़ में जाकर ये मीना का एक दिन का काम हो गया।
आजकल की जो आधुनिक बीजाकारी वो जरूरी नहीं है किस मैटर पे होगी, किसी भी मैटर पे वो चाहे किसी भी चीज की बनी हो, सोने की बनी हो, तांबे की बनी भी हो, अथवा अगर इकोनॉमिक मतलब सस्ती से सस्ती के हिसाब से अगर आप देखें तो वो पीतल पे भी हो रही है, तांबे पे भी हो रही है और जिंक पे भी हो रही है। और वो उसके कलर जो आ रहे हैं मेरी भाषा में प्लास्टिक के कलर आजकल बहुत ज्यादा फैशन में और बाजार के अंदर जो नई जेनरेशन है मेरे ख्याल से 90% जेनरेशन उधर की तरफ ही भाग रही है, आर्ट और क्राफ्ट की तरफ नहीं भाग रही। फैशन आज यूज किया कर फेंको, यूज एंड थ्रो, पता नहीं अंत क्या होगा। और कला के लिए कला हैंडीक्राफ्ट के लिए नहीं कमाई साथ हम कह सकते हैं, लेकिन जो उनको रिवार्ड और जो रिगार्ड मान मिलना चाहिए कलाकार के रूप में, कला का जो सम्मान मिलना चाहिए, गरिमा रहनी चाहिए, वो नहीं रहती है। अब मैं आपको आधुनिक मीनाकारी के बारे में देखिए, ये मेरे प्लास्टिक कलर है, ये ग्रीन कलर है, मैं इस मशीन ले और यहाँ ये मेरा पंच की अवस्था है काम, इसके अंदर मैं इसको भरूंगा। सामने कर रहा हूँ या देखिए कि कितना फास्ट गोइंग हो रहा है, कितना जल्दी जल्दी हो रहा है और इसकी मेहनत इतनी ज्यादा नहीं है, इसकी कीमत भी उसी हिसाब से बनती है, लेकिन ये जल्दी से जल्दी तैयार हो जाता है और इतनी जल्दी तैयार हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके ये रंग भरते भरते ये रंग सूखने लग जाते हैं, ये सब केमिकलाइज कलर होते हैं और मैं इसके लिए इतना जरूर कहूँगा, बुराई नहीं कहूँ, लेकिन मैं सेफ्टी के हिसाब से बता दूँ कि ये आपके स्किन के लिए अच्छा नहीं है, इससे आपके स्किन डिजीज होने की संभावना बनी रहती है। कृपया आप वैसे जूलरी की तरफ नहीं जावें, जावें तो परंपरागत ज्वेलरी की तरफ। कृपया देंगे आपको परमिशन देंगे तो भी अच्छा रहेगा। आप ये जानते हैं कि सस्ता रोवे बार बार भी जरूरी है, हम पैसे को ना देख करके हमारे भविष्य को देखें। दिखने में बहुत अच्छा लगता है ये बात सही है, लेकिन आपके साल छह महीने के बाद के अंदर इसकी जो तो खूबसूरती है वो खत्म हो जाएगी और ये आपको काम का नहीं रहेगा सिवाय इसको डस्टबिन में डाल दिया। तो ये मैंने एक पोर्शन इस पर लगभग भर दिया है, आप ये देखने का चाहिए इसमें खास बात, ये मेरा जो उजाला चल रहा है
वो किस हिसाब से चलता है। मैं इसके अंदर हम आपको छोटा कलर भी बस के दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये कलर भरे जाते हैं, कारीगरी वाली बात नहीं है, ये किसी एक पुताई वाला काम है, बिनाकारी नहीं, नाम बिनाकारी है, लेकिन इस तरीके के जो काम है ये पुताई वाला काम कहलाता है, आर्टिस्टिक वर्क में नहीं आता, लेकिन लोगों की पसंद फैशन की वजह से, कम खर्चे की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड में है। आप बाजार में जाएंगे तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम से आप दुनिया भर के शोरूम भरेंगे, ये आजकल की के ऊपर हाथ से काम करने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ मीना भरने का ही एक काम है। इसकी सबकी डाइयां बन जाती है, डाइयों के ऊपर हो जाती है पतरे की शीट की, आभूषण का काम को बनाने का शेड दिया जाता है, और ये इतना पतला होता है आप उसको हाथ से ऐसे थिकनेस इतनी ज्यादा। धन्यवाद, आपका सबका धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए मीनाकारी कुंदन की कला के बारे में जानकारी आप लोगों के लिए लाभप्रद।